अपने बंधनों से तो कैसे छूटेंगे। दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, उसने जो मुझसे प्यार किया है, परमेश्वर बोलता है तूने जो मुझसे प्यार किया ना, तूने जो मुझसे प्यार किया इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं आपके प्यार को देखकर परमेश्वर आपको छुड़ाता है। हालेलुया, दाऊद कौन था, दाऊद एक परमेश्वर का दाऊद जिसने बाइबल में प्राणियों में सबसे बड़ी किताब लिखी। हालेलुया, जो परमेश्वर से प्यार करता था चाहे उससे एक बार गलती भी होगी, उससे पाप भी हो गया, फिर वो परमेश्वर के पास गया, उसने अपने पापों की क्षमा मांगी, चाहे परमेश्वर उसे सजा भी दी उसकी गलती की, फिर भी वो परमेश्वर के साथ प्यार में बना रहा। हालेलुया, उसने कहा परमेश्वर जे चाहे ना वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे चंगा करे चाहे ना वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, तारीफ करें उस जिंदा परमेश्वर के लिए। वो आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको बताता हूँ, आप चर्च में आए आपको वो नहीं मिलता जो आपको आपको आपके लिए जरूरी है। आपको अगर आप चर्च में हैं आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। हालेलुया, आपको वो नहीं मिलता जो लोग बोलते हैं जो किस्मत से लिखे वही होना है जी, और अगर जो किस्मत से लिखे वही होना बैठो कर हाथे हाथ ला के सौजो करे पेटे आंधी की लोड़ा कीता मिठाना लोड़ा जान दी जो किस्मत लिखे वही होना नहीं। बाइबल के अनुसार तुम अपनी किस्मत अपनी लाइफ नु खुद बना सकते हो। परमेश्वर अपना प्यार दिखा के, हालेलुया, अपना प्यार दिखा के, अपना दिल परमेश्वर दिखा के जो तू लेना चाहने हो तुम ले सकते हो, तुम मिल सकता है। हालेलुया, इसलिए मैं तुम्हें दसदा जिथे अज तुम खड़े हो इतने वो नहीं मिलता जो तुम जरूरत है, इतने वो मिलता जिद फाइट करते हैं जिद लड़ते हैं। आ मेरी बीमारी आ, मैं इस बीमारी तो चंगा होने लिए लड़ांगा परमेश्वर के सामने, मैं लड़ांगा अपनी बीमारी ने अंधकार की शक्तियां ना उस बीमारी ना उस अंधकार की शैतान की शक्तियां ना। हालेलुया, हॉस्पिटल च बैठे हैं लोग दसो चंगे नहीं होंगे, उन्होंने जरूरत चंगी आई थी फिर भी लेटे हुए हैं, किसी हाथ टूटे हुए हैं, किसी बांह टूटे, किसी फ्रैक्चर हुए हैं, वो क्यों नहीं चंगे होंगे। जे चीज जिस चीज ने फाइट करते हैं परमेश्वर के अगे, परमेश्वर अगर मैं आया हाँ तो कुछ लेके जावांगा। हालेलुया, हालेलुया, शब्द बोल रहा परमेश्वर हिला रहा। हालेलुया, उसके दिल नु हिला रहा था काम करने लिए। हालेलुया, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ियां, 66 दे विचों 66 ही जीतियां, कोई उसनु मार नहीं सकया। हालेलुया, तुसी जिन्नी शैतान नाल लड़ाई लड़ोगे जीतोगे यीशु दे सामर्थ नाम विच। हालेलुया, दाऊद नु कोई मार नहीं सकया, कोई बंदा नहीं मार सकया, बुढ़ापे दे विच 70 दे करीब जाके ओ बुढ़ापे दे नाल मरिया। हालेलुया, 66 दीआं 66 लड़ाइयां ओ जीतिया। हालेलुया, क्यों जीतिया, क्योंकि ओ परमेश्वर नु प्यार करदा सी। राजे क्यों हारते सी, क्योंकि उनका रब नाल प्यार नहीं सी, उनका ताकत अपनी ताकत दे उते भरोसा सी। हालेलुया, जोशाफात जदों मारपोर दे विच सत्संग सीगा, मैं की दसा सी, जोशाफात ने जदों बैड न्यूज मिली वो सामने वाला देश मेरे उते चढ़ाई करन आ रहा, वो लिखिया डर गया, वो मगरे परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया, अज लोगों से दुख आता बह जाते हाथ से हाथ रख के एक कम अपना कमरा बंद करते हैं, रोन लग पेंदे आ, हाय मेरा आ हो गया ओ हो गया, सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर देंगे, मैनू इन्हें धोखा देता, मैनू इन्हें छड़ देता, मैं तो बड़ा भरोसा किया। हालेलुया, लोग इकले जाके जो बैड न्यूज मिलती है, मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरी जॉब तो मेरी की प्रमोशन नहीं हो रही, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं फेल हो गया, जिदा मैं दसिया जो मैं एक आम इंसान से जो मैं अपने मरण बारे सोच रहा है, जो मैं अपनी लाइफ फेल हो गया, दुखी हो गया अपनी बैड न्यूज सुन के। हालेलुया, तो 2010 में जो मैं यीशु मसीह नूं जानिया वही बैड न्यूज गुड न्यूज दे विच बदल गई यीशु दे सामर्थ नाम विच। हालेलुया, ताकि हर बैड न्यूज गुड न्यूज विच बदल जावे यीशु दे सामर्थ नाम विच। हालेलुया, पर क्यों, क्योंकि तुसीं उस नूं प्यार करदे आ इसलिए तुहानूं छुड़ावेगा यीशु दे नाम विच। हालेलुया, दाऊद की करता थी परमेश्वर नु प्यार, इसलिए हर लड़ाई नु जीतता सेगा। जोशाफात नु जदों बैड न्यूज मिली लिखिया ने परमेश्वर नु खोजन दा फैसला किया। अज थोड़े विचों कुछ तो लोग ऐसे ही आए होंगे, पर कुछ किया खोजन दे लई आए परमेश्वर नु। जदों ते बैड न्यूज आई पूरी खबर आई, लिखिया ने परमेश्वर नु खोजन दा फैसला किया, किदा खोजिया ने लिखिया, वो कला परमेश्वर के सामने प्रार्थना करन लगा, उन्हें कला जाके रोया नहीं, जिदा 2010 दे विच मेरी लाइफ दुख आए मैं किया, एक दिन मैं अगे रोना होता से, एक दिन मैं फेस परमेश्वर दे गया, सुबह आए हे परमेश्वर जो भी है तू अपने आप मेरे उत्ते प्रगट कर, परमेश्वर जो भी है तू अपने आप मेरे उत्ते प्रगट कर,
सामने देश मैनू चढ़ाई करके मैनू खत्म करना आ रहा सानू असि तेरे उत्ते भरोसा करते हैं। उन्हें लिखिया प्रार्थना की अपने परिवार को नाल लिया लोग बैड न्यूज सुन के की हो जाते अपने परिवार तो अलग मम्मी मैनू पिलाना डैडी मैनू कला छड़ दो अपने दोस्त को कहते मैनू कला छड़ छड़ दे मैनू रो लेंगे हाले लोही और रोना का आंसू दिखाने लोगों रोना दिखाओ परमेश्वर अपने आंसू दिखाओ साढ़े आंसू पहुंच देगा। बाइबल च लिखिया एक एक आंसू वो अपनी गुप्पी के स्वर्ग में जमा करता है साढ़े आंसू स्वर्ग में हिलाते हैं इसके नाम में अधिकारियों के कोल जाते इमोशनल होंगे अपने आप रोंदा हुआ साबित करते हैं कि मेरी ज्यादा सुनी जाएगी हाले लोहिया पर कोई परमेश्वर अगे जाने तो पहला परमेश्वर झूठा केस मेरे खिलाफ पै गया पर मैं तेनों पुकारदा आ जो उत्थे जावा तू मेरे विरोधियों का सामना कर मैं कुछ नहीं बोलांगा तू नहीं कि तू चुप रह मैं तेरी लड़ाई लड़ांगा हाले लोहिया और कोई परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखता किसी को बंदे उत्ते भरोसा अपने पैसे उत्ते अपने बल उत्ते अपनी ताकत उत्ते भरोसा पर कई का है कोई जिहड़ा भरोसा परमेश्वर के उत्ते आ हाले लोहिया इंग्लैंड अमेरिका कैनेडा फोन होंगे प्रेयर होंगी ब्लैस हो जाते हैं रास्ते खुल जाते हैं हो जाती है मेरे परमेश्वर इन्नी दूर जाने लगे टाइम नहीं लगता हर जगह मौजूद है लोग हेल्प करने ले टाइम लगाओगे पर मेरा परमेश्वर जो हेल्प कर दो एक सैकंड सब कुछ कर दिता है हाले लोही इसे तरह मैं तुम दसना चाहना है एको ही हाल आ परमेश्वर को प्यार करो हाले लोही जोशाबाद ने अपनी फैमिली तो अलग नहीं होया वो अपनी फैमिली के नाल इकट्ठे होकर लिखे उन्होंने प्रार्थना की एक बार नहीं की वो करते रहे जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं आई हाले लोही जो इकट्ठे होकर प्रार्थना करते लिखिया उन्हें उसके बाद भवन के बीच गए अज मैं तुम्हें दसदा साढ़े बच्चों अगर कोई मलपुर की मीटिंग तो अज इतने भवन के परमेश्वर बारे हो जानने आया तो तुम ब्लैस हो चुके इस नाम अगर कोई मलपुर मीटिंग पहली बार आया थी अज इतने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर खोजन ले आया मैं नहीं कहना तुम मैं प्रे करांगा तुम आशीष होंगे ब्लैस होंगे हील्ड होंगे तुम हील्ड हो चुके इस सामर्थी नाम तुम चंगे हो चुके इस नाम हाले लोही अलग हो जाते लोग बैड न्यूज सुन के बुरी खबर सुन के चर्च तो अलग हो जाते हैं परमेश्वर के दासां तो अलग हो जाते हैं जितों तुहानू सामर्थ मिलनी है जिन्हें सोचा इस भवन मैं एड्डी बुलाहट रखी है पर शैतान ने किसी के मन के मिसअंडरस्टैंडिंग करके इन मेरे तो दूर कर दिता है यह अज चला है मेरे भवन तो जिथे मैं बुलाहट रखी है हाले लोही इसलिए चलो तुम खड़े रहने अड़े रहने गवाई दिन वापस आने हाले लोही इसे तरह मैं थानू दसना चाहना है अगर तुम परमेश्वर प्यार करते हैं प्रभु कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए उसे मैं छुड़ाऊंगा उसे ऊंचा करूंगा उसे ब्लेस करूंगा हाले लोही एको ही हल आ अगर तुम अपने प्रभु का हल देखना चाहते हैं प्यार करो उस खुदा जिन्हें थोड़े लिए जान दी है हाले लोही जोशाबाद ने भी परमेश्वर के भवन के जाने का फैसला किया जो कट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे जो कट्ठे होकर तुम प्रार्थना करते ना फैमिली नाल उदो आत्मा उतरता है याद रखना पेंतीकोस्त दे कट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे जेले पवित्र आत्मा उतरिया लिखे सारे आत्मा के नाल भर गए हाले लोही जोशाबाद ने अपनी फैमिली नाल कट्ठे होकर भवन के अगे जाके परमेश्वर अगे दुहाई दी प्रार्थना करने का तरीका अलग सी हे परमेश्वर तू वो परमेश्वर नहीं आ जो सब सब नामा तो उच्चा आ जो सब तो ताकतवर आ मेरा विरोधी मेरा कुछ नहीं करता मैं तेरी सामर्थ उत्ते भरोसा करता है हाले लोही ओदी प्रार्थना करता अंदाज तुसीं रोके अपने बोल शुरू कर दें वो बोल परमेश्वर अच्छे बोल बोलो साढ़े शब्द परमेश्वर हिलाते हैं हाले लोही जोशा पार्टनर का प्रार्थना करने का तरीका ही इदा का सीगा वो परमेश्वर आत्मा लिखे जो कट्ठे से उस मंडली के एक जाने के उत्ते
ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਜੋ ਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨਾ ਡਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਸ਼ਾਫਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਸ਼ਾਫਾਤ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਓ ਦਾਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਕੋ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਜਾਣ ਕਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਓ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਯੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕੁਛ ਬੜੇ ਆਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਠੋਠ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
वचन बार बार उन्होंने गल कर रहे हैं। परमेश्वर कहता मैनू जीवन दे पहला, फिर मैं तेरी जिंदगी च काम करांगा। वो कहते पहला परमेश्वर काम हो मेरी जिंदगी च, फिर तेनू अपना जीवन देवांगा। हर रोज परमेश्वर गल कर रहे हैं, यह मतलब कि लोगों ने अपने मन को कठोर किया है। फिर लोग सोचते हर पास प्रेयर की, इन्नी बार हो गया आने हजे तक मेरी लाइफ च क्यों काम नहीं होया। हजे तक तुम ओरी सुनी नहीं है, मनी नहीं है। हाले लोही आ, अगर तुम ओरी नहीं सुनती कितने सुन लवेगा। इसे तरह मैं तुम्हें की दसना चाहता, यीशु मसीह ते कोई मिरेकल नहीं कर पाया। क्यों? वो कह लगे नहीं यीशु जेदे ना जेदा भरा वो नहीं है, वो लै तो लकड़ी का काम नहीं करता, वो यीशु मसीह उही नहीं लै। वही तो अच्छा हूं कहता मैं परमेश्वर का बेटा है, मैं दुनिया के पाप उठाने आया हाँ। उन्होंने किया नॉर्मल लै लिया यीशु मसीह जो यीशु की सामर्थ उ नहीं भरोसा किया, ताकत उत्ते भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो यीशु मसीह उत्ते वड्डा मिरेकल नहीं कर पाया। इसे तरह जो तुम परमेश्वर के अभिषेक दासा नॉर्मल लाइटली लैना शुरू कर देंगे, उदो थी लाइफ में उन्हों की अनाइंटिंग काम करनी बंद कर देती है, उन्होंने सामर्थ काम करनी बंद कर देती है। हाले लोही आई इसे लिखे पहला भरोसा परमेश्वर के उत्ते रखो, वो नबिया की प्रतीत करो, रिलेशन कि चलना है प्रभु के दासा ना कि सीरियस रहना है। हाले लोही आई किसी वे प्रभु के दास अगर थोड़े ना क्लोज हो जाते हैं, तुम किसी वे लाइटली लैना शुरू कर देने। हाले लोही आ इसे तरीके किया प्रभु ने जोशापात ने दसिया परमेश्वर उत्ते भरोसा रखो, नबियां की करो प्रतीत करो। हाले लोही आ और उस तो बाद किया जो हम जोशापात जा रहे हैं, बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ी जिहड़ी सेना सामने लड़ाई करन दे लई आ रही थी उन्होंने आपस में गड़बड़ी पई, आपस में उन्होंने एक एक नूं मार दिता। जो जोशापात उन्होंने जाके देखिया सारे दी लाशां पईआं सी, परमेश्वर ने उन्होंने जित दित्ती। हाले लोही आ लिखिया जो सब खत्म हो गए, लिखिया वो जो खत्म हो गए सोना उन्होंने जो सब माल से उन्होंने को लिखिया जोशापात उन्होंने वो माल कट्ठा करते करते उन्होंने को सोना कट्ठा करते करते उन्होंने सेना लोगों को तीन दिन लग गए। हाले लोही आ कि ब्लैस किया जोशापात में परमेश्वर ने। इसे तरह मैं दसदा जो तुम परमेश्वर को लड़ाई थी नहीं रही, परमेश्वर की बन जाती है। हाले लोही आ जिदा दाऊद 66 लड़ाइया लड़िया हर लड़ाई में जितया, तुम इतने यीकूंगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। आपकी तारीफ परमेश्वर के मेरे को आपकी जिंदगी में कर रही है। हालेलुया किदा होवेगा? परमेश्वर कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मुझसे छुड़ाऊंगा इसलिए। हालेलुया परमेश्वर कहता देख दाऊद मेनू प्यार करता है, दाऊद ने अपना परमेश्वर ने प्यार दिखाया अते किया। दाऊद दे जो दाऊद चुने गया तुसी गल नूं याद करदे, जो दाऊद चुने गया उहदे भरा भी बचन नूं जानदे सी, उह चलदे नहीं सी, पर दाऊद गुड ब्रेकर सी। चाहे वह सब तो छोटा सीगा हजे बच्चा सी, उहदे भरा छोटा सीगे लड़न दे विच, पर किया बाइबल च लिखिया जो दाऊद जो अभिषेक करन दा समा आया प्रभु के दास के द्वारा एक एक जना सामने आ रहा। बाइबल दे विच लिखा उहदे सारे भरा अयोग्य गिने गए, पर परमेश्वर ने दाऊद नूं अभिषेक किया। इसलिए कई लोग जिन्हें अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है वो अयोग्य गिने जाते हैं। तुसी योग बनना चाहते परमेश्वर के कामों के, इसलिए अपने अंदर प्यार भरो। हालेलुया प्यार भरो अपने अंदर। प्रभु ने की किया जो आप यूहन्ना की किताब 13 अध्याय उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं, सुनो इस नूं ध्यान नाल। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया समझे कितने लोग? प्रभु ने किया मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, आपस के बीच प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु ने कितना प्यार किया देखो, प्रभु कहने इस तो बड़ा प्यार किया कि अपने कोई मित्र ले जान दे। उन्हें देखो कितना प्यार किया थाडे नाल, थानू पापा तो छुड़ाने ले की देता जान तक कुर्बान कर देती। प्रभु ने कहा जिदा मैं तां थाडे नाल प्यार किया इदी एक दूजे ले अपने आप नूं कुर्बान करो। तुसीं की कुर्बान करनी हुण? जान कुर्बान करन दी लोड़ नहीं आ हुण, तां हुण किसे नूं मरन दी लोड़ नहीं आ। यीशु मसीह एक वारी मर गया पूरी दुनिया दे लई, हुण सिर्फ यीशु दे जीण दा समां आ, जीण दी लोड़ आ। हालेलुया कितना जीना है
जो एक बंदा तुहानू कोई विरोध में बोल रहा जवाब नहीं दे रहे पर सैड से जाके रो रहे हैं सैट होके फिर सामने आ रहे हैं की अपनी अपने आप मार रहे हैं थानू क्रोध आ रहा पर नहीं कर रहे थानू जलन आ रही है बदले की भावना आ रही है क्षमा ना करने की भावना आ रही है पर फिर भी तुसी कर रहे हैं ये की दिखा रहे हो तुसी अपने आप नू मार रहे हैं अते प्यार दिखा रहे हैं परमेश्वर दा हालेलुया और प्रभु ने कहा यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो हालेलुया प्रभु कहता यदि तुसी आपस में प्रेम रखोगे इसी तो ही पता लगेगा कि तुसी मेरे चेले हो हालेलुया थानू दसा कई वेले परमेश्वर अपने दासां नू अपने लोगों नू कुछ चर्च दे लोगों दे अंदर इन्ना प्यार भरदा अते उन्हां नू सब लोगों दे विच पेश करदा देखो आ मैनू प्यार करदा अपने आप नू दिखांदा उन्हां दे विच देखो इहदे अंदर मेरा प्रेम आ ये मेनू प्यार करता है एक बंद कमरे दे विच इसलिए साडे नाले प्यार दिखा रहा हालेलुया अजूब नू की क्या परमेश्वर ने जब शैतान शैतान अजूब दे को परमेश्वर दे कोल गल कर रहा परमेश्वर ने कहा तू अजूब नू देखिया पता मेनू किन्ना प्यार करता जा नू तू परखला शैतान कहन लगा ओ परमेश्वर तू अजूब नू चारे पासे आशीष दित्ती आ इसलिए तेरा धन्यवाद करता है इसलिए तेरी ओ महिमा करता है जो मर्जी करना कर ला शैतान ने सारे पेड़ बकरी सारा बिजनेस सब कुछ जो तो तियां पुत्र सब कुछ किया खत्म कर दिता अजूब कदा रह गया हालेलुया सब कुछ ब्लेसिंग चारों दिशाओं को आशा खत्म हो गई बाइबल लिखा फिर भी अजूब ने परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसा दिकार नहीं भूली हालेलुया कि जे तो किया वो अपना अविश्वास दिखावे ते अपना प्रेम ना दिखावे वो कहंदा ओदी वाइफ कहन लगी अते ना की हो गया वो कहंदा परमेश्वर तो अगर असीं सुख ले सकते हैं दुख भी ले लेंगे फिर की हो गया और अगर असीं सुख लेने आज दुख आ गया फिर की होया ओदा नाम धन होवे ओदा नाम मुबारक होवे हालेलुया अते किया फिर किया शैतान दूजी बारी मिल रहा वो कहता परमेश्वर तू क्या ओदा सारा को प्रॉपर्टी पर मैं चीजा खत्म कर दी पर एक इंसान अपनी जान नू बहुत प्यार करता अपने आप नू बहुत प्यार करता तू मैनू आग्या दे कि मैं ओदे शरीर उत्ते जो मर्जी कर सका परमेश्वर कहता जा क्योंकि इंसान अपनी जान के लिए सब कुछ खत्म कर देता अपनी प्रॉपर्टी बेच देता अपने खेत बेच देता अपने बच्चे नू बचाने लई अपने आप नू ठीक करने लई सब तो ज्यादा किनू प्यार करता है इंसान अपनी हीलिंग नू अपनी चंगाई नू अपने आप नू शैतान कहता हम मैं टच कर दे अते किया परमेश्वर कहा जा मैनू प्यार करता है वो मेरा इनकार नहीं करेगा अते किया शैतान जा रहा ओदे सारा शरीर फोड़िया दे नाल भर दिंदा है देखिए ओदे इन्ना शरीर दे उत्ते फोड़े फोड़े हो गए अजूब दे किया ओदे को अपनी खाज भी नहीं कर सकता सीगा वो एक ठीकरी दे नाल पत्थर दे नाल अपने खाज करता सीगा हालेलुया क्योंकि ओदे हाथ भी गल चुके सी लिखिया जो इना कुछ भी हो गया पत्नी कहती मर जा परमेश्वर का इनकार कर दे कहता की तू चलिए दीवियां वांगू कर दी चुप कर अगर परमेश्वर तुम सुख ले सकते हैं दुख क्यों ना लेंगे हालेलुया इसी तरीके नाल मैं तुहानू दसदा उन्हें परमेश्वर का इनकार नहीं किया उन्हें साबित किया मैं परमेश्वर नू प्यार करदा हां हालेलुया उन्हें साबित किया मैं परमेश्वर नू प्यार करदा इसी तरह जो तुम भी कहने परमेश्वर के प्यार होंगे जो नहीं भी चंगा करता कहने परमेश्वर तू चंगा कर चाहे ना तू मेरा परमेश्वर हालेलुया तू आशीष दे चाहे ना तू मेरा परमेश्वर तू ब्लेस कर चाहे ना तू मेरा परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना कदे भी छड्डांगा नहीं हालेलुया एक ही दिखा रहे प्यार परमेश्वर कहता तूने जो मुझसे प्यार दिखाया इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा हालेलुया इसे तरह तुसी जिहड़ा प्यार दिखाने अपने शब्दां नाल अड़े ते खड़े रह के परमेश्वर उत्ते भरोसा दिखाने आ ओ प्यार नू देख के प्रभु तुहानू छुड़ांदा है ते आजाद करदा हालेलुया प्रभु ने कहा अगर आप च प्रेम रखोगे इस तो जानोगे कि लोग तुसी मेरे चेले आ नहीं तो एक जन कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है ओ नहीं जी ओ सारे प्रभु दे दास ओ दास चंगा नहीं आ ओ दास माड़ा आ ओ इदां दा आ ओदे विच आ कमियां आ नहीं नहीं तुसी इत्थे आ वाली चर्च आओ देखो तुहानू की मिलेगा देखो प्रभु तुहानू किन्ना ब्लेस करेगा जिहड़ा प्रेम करदा ना परमेश्वर नू ओ किसे दे भी खिलाफ नहीं बोलेगा ओ किसे दास नू वड्डा छोटा नहीं कहेगा ओ हर एक नू रिस्पेक्ट देवेगा हर एक दा आदर करेगा हालेलुया
जेड़ा बंदा एक कह के आया ना वो नहीं वो कुछ नहीं ओदा वो प्रभु दा दास एदा ओदा अते किया हुण उहने अपने शब्द उहने साबित किया कि मैं परमेश्वर नूं प्यार नहीं करदा। हालेलुया इहदा मतलब की है ओहदे अंदर बंदे दे अंदर जिहने इह शब्द बोले ओहदे अंदर प्यार नहीं है परमेश्वर दा। प्रभु कहिंदा अगर तुसीं मैनूं प्यार करदे ना ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ उस टाइम पता लगता। हालेलुया इसलिए प्रभु दे प्यार च बने रहना बहुत जरूरी है। जदों तुसीं परमेश्वर दे प्यार दे विच बने रहने आ तां परमेश्वर दे अद्भुत काम तुहाडी जिंदगी दे विच हुंदे आ। हालेलुया किन्ने लोग तां यार अपने मन नूं परमेश्वर दे नाल तैयार करन दे लई हालेलुया परमेश्वर नाल अपने प्यार नूं वधाउण दे लई हालेलुया। इसलिए मैं तुहानूं दसना चाहना अगर तुसीं प्यार करदे आ तुसीं अपना प्यार दिखाना शुरू करो परमेश्वर नूं। आप सब तो पहला अपने शब्दों ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਮਨਦੀਪ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮਨਦੀਪ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ एक शब्द हो गया गल ही बोलांगा ओ मनदीप ओ पानी दा गिलास लेके आ गल ओही है मनदीप पानी दा गिलास लेके आई किहनूं चूज़ करदे आ तुसीं किहनूं चूज़ करदे आ अपने आप नूं देखो सिर्फ बोलण दा स्टाइल और तरीका आ कि तुसीं अपने शब्दां नूं लोकां नूं किस तरीके नाल बयान करदे आ ओह एदां नहीं होना चाहीदा एदां होना चाहीदा ओह की आ ओही तुसीं बोलोगे नहीं ब्रदर आ सेटिंग इत्थे मैं चाहना अगर तुम बुरा ना मैनू आपां इदां ना करिए आ काम आपां इह कर लईए। हालेलुया प्यार साडे लिखिआ बुराई नूं भलाई नाल जित लो जिथे बहुत गल्लां हुंदीआं उथे अपराध हुंदा आ जिथे बहुत गल्लां हुंदीआं इसे तरीके नाल तुसीं किदां दे शब्द लोकां नाल यूज करदे याद रखो हर गल लोकां नाल शेयर करन तों पहलां उहनूं देखो किहड़ी लैंग्वेज नाल तुसीं शेयर करदे आ किदां दे हालात नाल तुसीं बोल रहे आ। हालेलुया अपने जिंदगी द्वारा लोगों को प्यार दिखाना अपने बोलने के द्वारा हमेशा यही केड़ा तरीका यूज करते हैं कोई पानी लेके आ जाओ पानी लेके आई जा पानी लेके आई की यूज करते हैं तुहाडा प्यार दिख रहा इत्थों पता लगना जो लोगों के प्यार दिख रहे हैं ना इत्थों पता लगना कि तुसीं परमेश्वर दे नाल प्यार करदे आ अते परमेश्वर साडे प्यार नूं देख के दाऊद नूं की गया तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे चंगा करूंगा ब्लेस करूंगा। हालेलुया इसलिए तुसीं जिहड़ा अपना प्यार दिखाने उहदे नाल तुसीं ब्लेस होने आ।